हेलो फ्रेंड, हैप्पी दीपावली आपको, दीपावली की राम राम सबको। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये दीपावली का व्लॉग है, सुबह का, मतलब जिस दिन दीपावली थी उसी दिन सुबह का था। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पर्दे, क्योंकि मैंने ये पर्दे सारे निकाल के वॉश किए थे तो मैं नहीं लगा पाई थी। तो ये दीपावली की सुबह की टाइम मैं ये सब कर रही हूँ। और दीपावली पर मतलब बहुत सुबह से काम करो, सुबह से शाम तक टाइम ही नहीं मिला। और यही काम कर रहे थे कि सुबह से घर को डेकोरेट करो, फिर शाम को पूजा करो, फिर शाम को रात को खाना पीना खाओ, दीपक लगाओ, पूजा करो। यही काम रहता है दीपावली के दिन। और आज मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है ठीक से, क्योंकि रात को लेट सोना हुआ। तो ये आज मैं सुबह ही एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला एडिटिंग करने का। तो व्लॉग तो मैंने बना लिया था जैसे तैसे करके, इतना खास नहीं बना लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके बनाया हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो न्यू है चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। और यहाँ पे मंदिर में मैं लाइटिंग लगाऊँगी। मंदिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सजाया था, क्योंकि बांदल बाल पहले ही मैंने लगा दी थी जब मैंने मंदिर का मतलब सफाई की थी तब। और यहाँ पर मैं लगा दूँगी लाइटिंग, तो लाइटिंग भी अच्छी लगेगी ना, हम लगाएंगे तब सुंदर लगती है घर में। तो दीपावली की अलग ही रौनक होती है। दीपावली पर सब अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, अच्छे से सजाते हैं, जितना जिसका हो पाता है उतना वो सब करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक साल से हमारा ये फेस्टिवल आता है और सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये। तो आज के दिन हमारे राम जी आए थे अयोध्या, तो बहुत ही खुशी की बात है। और बहुत ही ज़्यादा लोग इनको बहुत ही अच्छे से प्यार से मनाते हैं। तो आप लोगों के घर में भी ऐसे ही सुख समृद्धि बनी रहे और सब सुख शांति से रहे, बस यही चाहते हैं हम। तो भगवान से प्रार्थना करते, और आप सब भी एक दूसरे की के लिए प्रार्थना कीजिए कि सब अपने अपने घरों में, अपने अपने फैमिली में, अपने अपने रिश्तेदारों में सब अच्छे खासे अच्छे प्यार से रहे। और ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखो आप, मंदिर मैंने ऐसा सजाया है, कुछ लाइट ऐसी लगाई है, आप देखिए ऐसा बना है। और यहाँ पे मैंने सारे पर्दे भी लगा दिए हैं जो मैंने वॉश किए थे, खिड़कियाँ डोर सारे को लगा के मैंने कर दिया। और यहाँ पर मैंने एक मतलब प्लांट रखा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंगोली, क्योंकि रंगोली दीपावली हो और रंगोली ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। जिसको जैसी आती है वो रंगोली बनाए, तो रंगोली बना लूँगी मैं अब। तो यहाँ पे देखिए मैंने रंगोली बना ली है, एक बनाया है मैंने शास्त्रिक और एक ऐसे ही कुछ बनाया था। इतना अच्छा नहीं बना, जैसा आया मुझे वैसा मैं बनाई और अच्छा लगा। मतलब रंगोली तो बनाना ही पड़ता है दीपावली को, और जिसको जैसा आता है वो ज़रूर बनाए। तो मुझे जैसा आया, मैं आर्ट में कमज़ोर हूँ, मुझे आर्ट इतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन जैसी भी आई मैंने की हूँ। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी रंगोली, और बने रहिएगा मेरे व्लॉग में लास्ट तक, क्योंकि आज है दीपावली का व्लॉग। तो बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है, बहुत ही अच्छा व्लॉग है। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. I-
through the sun rays and I... और ये मतलब सारा काम फिनिश हो गया था। यह है रात का टाइम, जैसे बज रहे हैं 7:30 से पहले का ही है शायद। तो मैं यहाँ पे ना मतलब लक्ष्मी माता की जो फ़ोटो वगैरह सब मैंने यहाँ पे सजाई है, जहाँ पे मैंने रंगोली बनाई वहीं पे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जोत लक्ष्मी माता की, क्योंकि पहले लक्ष्मी माता को बुलाया जाता है फिर उसकी पूजा की जाती है। तो मैंने लक्ष्मी माता को जोत लेके बुलाया है और बहुत अच्छी, जितनी जल्दी से लक्ष्मी माता की जोत भी आ गई थी बहुत अच्छे से, मतलब फटाफट आ गई थी लक्ष्मी माता। तो यहाँ पे जोत लेने के बाद में हम कर लेंगे सब पूजा, क्योंकि अजमेर तो आए नहीं थे, पूजा का टाइम हो गया था। और हमारी दुकान मतलब ऐसा है कि दुकान से निकल ही नहीं सकता इंसान, ऐसा मतलब है ही ऐसा कि किसी फेस्टिवल पर नहीं इंसान आ सकता। तो मेरे हस्बैंड बहुत कम फेस्टिवल पर यहाँ रहते हैं, दुकान में थे वो, रात को आए थे 10 बजे। तो पूजा तो मुझे करनी थी, तो बच्चे और मैं मिलकर पूजा कर लिए थे, वो बाद में आए तब खाना का टाइम हुआ तब। क्योंकि जो ये मतलब होता है ना किराने की दुकान, तो क्या होता है उसको खोल कर रखना ही पड़ता है, बंद नहीं कर सकते हम। और फिर अकेले थे, मेरे जेठ जी भी नहीं थे, वो भी मतलब गाँव गए हुए थे, तो उसकी वजह से नहीं आ पाए। तो वैसे भी नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते, दोनों भाई रहते हैं तब भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा काम रहता है, दीपावली की पूजा भी होती है दुकान में, तो उसी में बिजी रहते हैं। और यहाँ पे मैं और जानवी और देव, बस हम तीनों ही माँ बेटे यहाँ पे पूजा कर लिए थे। और जैसा भी ब्लॉग बना, जैसा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ, वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे मैं माँ को तिलक कर दूँगी, और मैंने खाने में बनाया था मतलब वो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बिजी हो गई थी तो वे लोग नहीं बना पाई। तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे तो मैंने दाल का हलवा बनाया था और चावल बनाए थे, जो मीठे चावल हमारे यहाँ बोलते हैं चाशनी के चावल, जो येलो कलर डालकर बनवाते हैं। और सफ़ेद चावल बनाए, दाल बनाई, आलू दम बनाया, पूरी बनाई, और ये सब बनाए थे। तो मैं यही करके माँ की आरती कर दूँगी, पूजा कर दूँगी और भोग भी लगा दूँगी। और ये जो आप देख रहे हो ये दीपक बड़ा वाला, ये पूरी रात ऐसे ही जलेगा, मतलब इसको हम ऐसे ही जलने नहीं देंगे, तो ये जलता रहेगा पूरी रात को। और यहाँ पे मैं माँ की पूजा कर रही हूँ, तो आप लोग भी माँ को हाथ जोड़िए और माँ से आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ देव को मैं बोली कि बेटा आप घंटी बजा दो, तो ये पागल अच्छे से नहीं बजा रहा था, ऐसे बज ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, बच्चे होते हैं, बच्चे जब ऐसा कुछ काम करेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे ना। तो बस यही पूजा का टाइम था, और आप लोगों के साथ जितना होया है इतना मैं शेयर कर पाई हूँ। और सबकी घरों में खुशियाँ आए, माँ लक्ष्मी की बरकत हो, और जिस घर में माँ लक्ष्मी जाए तो वहाँ से नहीं आए, बस वहीं पे बैठी रही माँ लक्ष्मी। तो यही मैं कर रही थी। तो
तो यहाँ पे पूजा पूरी फिनिश हो गई थी। बस मैं माँ से ऐसे आशीर्वाद ले रही थी बैठकर, और पूजा सब हो गई थी। और हमारे जेठ जी के लड़के भी थे, तो मैं उनको व्लॉग में नहीं लाई ज़्यादा, क्योंकि उनको इतना व्लॉग में आना पसंद नहीं है। तो जिसको पसंद नहीं हो हमें उसको बीच में व्लॉग में क्यों लाए, तो मैं इसीलिए नहीं लेके आई उनको। बस आप लोगों के साथ इतना ही शेयर की हूँ। और यहाँ पे देखिए, आपको लास्ट दिखा देती हूँ माँ का, जो मैंने सजाया है दरबार माँ लक्ष्मी का। तो यहाँ पे देखिए दीपक जो है ये पूरी रात जलेगा ऐसे ही। और यहाँ पे रंगोली में मैंने दीपक लगाए हैं। और बस आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।